हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए चिवड़े की खट्टी मीठी नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट बन जाती है, जिसमें आपको इधर उधर सामान लेने के लिए नहीं भागना पड़ता है और घर में ही जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हो उनसे भी अच्छे से बन जाती है। तो चलिए हम चिवड़े की नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चिवड़े की नमकीन है तो इसके लिए हम चिवड़ा यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 कप चिवड़ा लिया हुआ है, पतला वाला लेना है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, जिससे आप पोहा बनाते हैं वो वाला नहीं लेना, एक पतला चिवड़ा आता है आपको वो लेना है मार्केट से। अब इसको चिवड़े को आप डालेंगे, हम देखिए जिस पैन में बनाना है उसमें इसको 5-6 मिनट देखिए हल्के से इसको रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट करना है। इसमें कोई ऑयल नहीं डालेंगे हम, कुछ भी नहीं, ऐसे हिला हिला के और धीमे से देखिए नीचे से हिलाएंगे, जिससे ये ध्यान रखना है हमें कि ये पोहा जो है चिवड़ा ये टूटे ना। हम इसको तल के नहीं बना रहे, वैसे तल के बनाना तो बहुत आसान होता है कि इसको फटाफट रोस्ट कर लीजिए, तल लीजिए फटाफट, बहुत ही फटाफट 1 मिनट में क्रिस्पी हो जाती है, पर हमें इसको हेल्दी भी बनाना है तो इसके लिए हम इसको हल्का हल्का इसको कढ़ाई में ही भून के रोस्ट करके ही बनाएंगे। तो चलिए हम इसको 4-5 मिनट रोस्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा चिवड़ा बिल्कुल भुन गया है, इसको 5 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पे अच्छे से धीरे धीरे भून लिया है और ये हमारा चिवड़ा बिल्कुल अच्छे से, देखिए आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब इस टाइम पे हम गैस ऑफ कर देंगे और चिवड़े को किसी दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और उसके बाद हम आगे की नमकीन चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल, आप जो भी यूज़ करना है, अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और उसमें अराउंड 1 कप ये मैं मखाने डाल दूँगी। देखिए हमने उसको हेल्दी बनाना है, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, जो भी ऑयल आपको यूज़ करना है इसको भी स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मखानों को भी। देखिए फ्रेंड्स, मखाने भी मैंने 4 मिनट स्लो फ्लेम पे हल्के हल्के चला लिए, ये हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इनको भी, मखानों को भी हम निकाल लेते हैं। अब इसके बाद चलिए हम पीनट कर लेते हैं। अब हमने पीनट करना है तो हमने अराउंड 1/2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें हम ये पीनट्स डाल देंगे। मैंने 1/2 कप पीनट्स ली हैं, 2 कप चिवड़ा लिया था, 1 कप मैंने मखाने लिए थे और अराउंड 1/2 कप मैंने ये पीनट्स लिए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आपको इतना ही डालना है, आप कुछ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपको पीनट्स कम करनी है तो आप पीनट्स कम कर सकते हैं, मखाने हेल्दी होते हैं वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसको भी हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से करेंगे। ये बात का ध्यान रखना है आपको करते समय, ये देखना है कि अच्छे से हो जाए। जैसे देखिए हमने मखाने करें, ये देखिए तोड़ के देख लीजिएगा कि मखाने अच्छे से हो गए, क्रिस्प तोड़े तो क्रिस्प टूटे। इसी तरह हमने पीनट को भी अच्छे से 2-3 मिनट स्लो फ्लेम पे कर लेना है। ये देखिए हमारी पीनट्स लगभग हो गई हैं, 2-3 मिनट मैंने इसको देखिए कर लिया है लगभग। इस टाइम पे देखिए मैंने गोले का छोटा सा टुकड़ा लिया था, उसके छोटे छोटे पतले ऐसे पीसेस कर लिए। अब इस टाइम पे वो हम पीनट्स के साथ डाल देंगे। गोला बहुत जल्दी हो जाता है तो इसलिए हमने लास्ट में डाला है। इसको अच्छे से इसी तरह अब हम 1 मिनट के लिए और कर लेंगे मूंगफली और नारियल को। 1 मिनट हो गया है, आपको दिख रहा होगा गोला देखिए हल्का हल्का पिंक होना स्टार्ट हो गया है और मूंगफली भी हमारी हो गई है अच्छे से। तो अब इस टाइम पे हम इसको निकाल लेंगे और ये देखिए इसमें ऑयल पूरा है, आगे की चीज़ें करने के लिए हमें ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले मैं पीनट को और नारियल को निकाल लेती हूं। मैंने पीनट्स और गोला नारियल निकाल लिया है। अब इस टाइम पे अब इसके बाद हम इसी ऑयल में हम ये देखिए काजू मैंने लिया है अराउंड 1/2 कप ये बादाम लिया है, आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, 20 से 2 टुकड़े कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये ड्राई फ्रूट आप कर रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हल्के हल्के करना है, क्योंकि नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल ही कच्चे से रह जाएंगे, क्रिस्प नहीं होंगे। तो इसको भी हम अराउंड 3-4 मिनट स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे ऑयल में इसको भी हम कर लेते हैं इसी तरह। ये देखिए 2 मिनट हो गए,
अब लगभग होने वाले हैं काजू बादाम। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है और एक स्मेल आने लगी भुनने वाली, देखिए हल्की हल्की सी। इस टाइम पे मैं इसमें देखिए किशमिश डाल दूंगी, मैंने अराउंड 1/4 कप किशमिश लिया है। अब इसके साथ हम किशमिश भी कर लेंगे। किशमिश इसलिए मैंने बाद में डाली क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी हो जाती है, तो जितना टाइम आप काजू और बादाम को है भुनने में उतना ही में ये हमारी किशमिश भी अच्छे से फूल जाएगी। तो हम किशमिश भी कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए किशमिश भी फूलने लगी है, ये देखिए आप देखिए, ये देखिए, और हमारे काजू बादाम भी लगभग हो गए। इस टाइम पे अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इनको हम बाहर निकालेंगे, नहीं तो किशमिश एकदम से जल जाएगी और सारा टेस्ट ख़राब करेगी। हमने गैस ऑफ कर दी, अब इसको हम निकाल लेते हैं किसी टिश्यू पेपर पे। देखिए हमारी नमकीन के सब चीज़ों की तैयारी हो गई है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं नमकीन। देखिए ऑयल हमारा अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, अब हम बस थोड़ा सा इसी में ऑयल डालेंगे। हमने 1.5 टेबल स्पून अराउंड हमारा यूज़ हुआ था आपको पता है, तो उसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले ये देखिए हरी मिर्चें और डाल देंगे ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने धो के रख लिया था अच्छे से। और हरी मिर्चें आप चाहें, अगर आपके पास सूखी हरी मिर्चें हैं या लाल, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें तोड़ लीजिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है हमने अच्छे से। ये देखिए हमारी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ये हो रहा है, बिल्कुल कड़ी पत्ता को तो हमें ऐसा करना है कि बिल्कुल तल जाए ऑयल में, तभी वो उसका फ्लेवर आएगा पूरे नमकीन में। और हरी मिर्चें भी अच्छे से फ्राई हो जाए, कच्ची नहीं रखनी है, नमकीन बना रहे हैं हम, सब्जी नहीं बना रहे, तो हमारे पास सूखी हुई मिर्चें नहीं थी, तो मैं हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। अगर मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपके पास सूखी मिर्चें हैं घर में, पड़ी पड़ी पुरानी हो जाती है, पड़ी हुई सूख जाती है, तो आप वो यूज़ कर लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और वो डाल लीजिए। तो हरी मिर्च को और कड़ी पत्ते को अच्छे से फ्राई कर लेना है हमने। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून राई। अब स्लो रखेंगे फ्लेम, राई को कर लेंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे, देखिए ये हमारा राई हो गई है, भुन गई है। 1/2 टीस्पून देखिए हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें, 1/2 टीस्पून कम था थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और 1 स्पून डल जाएगा अराउंड नमक। अच्छे से कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारी ये नमकीन का ये हुआ हुआ पड़ा था, इसके मखाने हैं, चिड़वा है और इसमें नारियल है, वो हम डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी इसके बाद हम जो ड्राई फ्रूट रखे हुए थे वो हम ऐड कर देंगे इसमें। तो मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अराउंड अमचूर पाउडर, चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं, 1/2 स्पून अराउंड इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। और अराउंड 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई चीनी। आप इसमें अगर आपको मीठा नहीं करना है तो आप ये शुगर अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मखाने बहुत हेल्दी होते हैं सबको पता है, बादाम काजू ड्राई फ्रूट्स के तो अपने बेनिफिट्स नहीं हैं, और चिवड़ा भी हमने तला नहीं है, तो ये आपके लिए, वैसे आप नमकीन खाने से पहले बहुत ही सोचते हैं कि ज़्यादा मन करता नमकीन खाने बैठो तो लगता है कि नमकीन खाते जाओ, पर आपको लगता है बहुत ही अनहेल्दी है, ज़्यादा नहीं खाओ नुकसान करेगी, पर ये वाली नमकीन आप चाहें तो आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा अराउंड 2 स्पून ऑयल में ये पूरी हमारी नमकीन बन गई है। तो ये देखिए इसमें आप कोई भी इंग्रेडिएंट अगर चाहते हैं बढ़ाना घटाना, और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा परमल भी ऐड कर सकते हैं फ्राई करके,
इसी तरीके से हल्का सा भून के। तो ये देखिए हमारी नमकीन बिल्कुल ही रेडी हो गई। चलिए अब हम इसको बाउल में डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी नमकीन बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए उसको देख के ही लग रहा है, मन कर रहा है कि फटाफट खा लो। और इसमें सारे जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं, ऑयल का यूज़ बहुत कम हुआ है। तो आप खाने में ये है कि आपका मन कर रहा है अगर नमकीन खाने का तो आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। और बच्चे भी देखिएगा ये नमकीन बहुत शौक़ से खाएंगे, बड़े भी, क्योंकि सभी के लिए नमकीन बहुत हेल्दी है। तो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस भी बाकी भी अच्छे लग रहे हैं और आपने अभी तक नहीं देखे तो फ्रेंड्स जाके एक बारी मेरे चैनल पे आप जाइए और देखिए मेरे वीडियोस और बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। क्योंकि मेरी रेसिपीज़ बहुत ही सीधी सिंपल, घर में जो भी सामान अवेलेबल है उसी से मैं बनाना की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि किसी को भागना ना पड़े सामान लेने के लिए इधर उधर, तो और जो आसानी से बन जाए, जो मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टाइम लगे, आसानी से फटाफट बनने वाली रेसिपीज़ बताती हूँ। तो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।